आज मौसम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो रहा है, हवाएं चल रही हैं समुंदर की और गर्मी। यहाँ समुद्र कौन सा आ गया भाई? भाई ये बिल्कुल सामने ही तो है, कहाँ है समुंदर? यहाँ पे समुंदर को 400 मील दूर समुंदर है। अब आप नहीं, अब आप क्या चाह रहे हो, आपको लाश पे बिठा दें ले जाके? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज मैच खेलने जा रहे हैं, आज रेडी में हो चुका हूँ और अभी तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करते हैं उसके बाद जाएंगे, दिखाते हैं आपको फिर। तो गाइस नाश्ता तो आ चुका है और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये बात को, ये देखो भाई कैसे सो रहा है। तो भाई ये जो है कहीं भी सो जाता है, इसको जहाँ भी मतलब लेटे लेटे बैठे बैठे नींद आ जाए मोबाइल चलाते हुए, ये वहीं सो जाता है। तो बस नाश्ता शुरू करते हैं उसके बाद जाते हैं, लेट हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ तो पहुँच चुके हैं और अभी दोस्त वगैरह हुआ, सारी टीम हमारी आ गई। ग्राउंड देखे कैसा टूटा फूटा ग्राउंड है हमारा। कबीर भाई हैं हमारे, ये पहले ही पहुँचे हुए थे हमसे। अली भाई कैसा लग रहा है, हवा चल रही है, आज मौसम अच्छा है? आज मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, हवाएं चल रही हैं समुंदर की और गर्मी। यहाँ समुंदर कौन सा आ गया भाई? भाई ये बिल्कुल सामने ही तो है, कहाँ है समुंदर? यहाँ पे समुंदर को 400 मील दूर समुंदर है। अब आप नहीं, अब आप क्या चाह रहे हो, आपको लांच पे बिठा दें ले जाके? हाँ लांच पे बिठा दो, पता चलेगा समुंदर है। बिल्कुल थोड़ा सा ये नहीं 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 4 किलोमीटर का रास्ता होगा ज्यादा से ज्यादा। भाई यहाँ पे समुंदर नहीं हो, नाला है वो, ये रोड नंबर है, ये रोड नंबर है, नहीं नाला नंबर है, नाला जो है समुंदर पे। भाई फारूक भाई ने जो एक्शन ले लिया इनकी बात पे, ये जो है ना यहाँ पे, ये एक्शन नहीं था, ये गलत नाला है। तो भाई भाई हमारी साथ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वो नाइट क्रिकेट टीम में हम लोगों ने मैच खेला यार। अबे यार दिन में जब खेल के आ गए भाई, आगे खोल ले भाई, दिन हो गया आगे खोल ले। तो गाइस यहां पे जो है हम पहुंच चुके हैं और बैठने की हमारे पास जगह नहीं है, तो यहीं बैठेंगे बस, और जगह भी इतनी सही है, बस टॉस फॉस होगा अभी। तो भाई टॉस जीत चुके हैं और अभी फैसला हो रहा है, सारे यहाँ खड़े हुए हैं फैसला करने के लिए। तो भाई हम फील्डिंग कर रहे हैं और टॉस हम जीते हैं लेकिन फील्डिंग कर रहे हैं। तो गाइस अभी तो ग्राउंड में जा रहे हैं, फील्डिंग है, फील्डिंग करेंगे तो फील्डिंग के बाद दिखाते हैं फिर आपको। Few moments later. तो भाई फाइनली फील्डिंग हो चुकी है हमारी और 205 का टारगेट है, 20 ओवर के अंदर 205 का टारगेट है। तो अब बैटिंग आ गई है, देखते हैं अभी क्या होता। यहाँ पे तो बहसबाजी चल रही है बहुत, क्योंकि फील्डिंग में बहुत कैचेस छूटे हमसे। तो अब ये जहन में रखना, सब्र और तहम्मुल से 206 रन बनते हैं, बनेंगे 205 के। कोई बंदा मुझे ये बोले कि मेरा का तो काम सिर्फ मारना था याद भाई, ऐसे नहीं होता भाई। देखो एक ओवर में एक चौका मार दिया आपने, एक डबल हो गया, दो सिंगल हो गए, 10 रन आ गए, सब्र और तहम्मुल से। अभी आप कह रहे थे ना वहाँ चलो, इसलिए मैं वहाँ पे रुक रहा था कि वहाँ सारे होते हैं तो बात हो जाती है। आपको गर्मी ज्यादा लग रही है इसलिए वहाँ पे हवा लग रही थी, देखो क्या हालत हो गई, एक मिनट के अंदर क्या हालत हो गई यार। क्या जाहिर सी बात है, हर किसी को लगती है यार, थोड़ा सा वो बंदा गुजारा कर लेता, 20 ओवर गुजारा कर लिया। भाईजान के साथ जाओगे, वन टॉन सोनू आएगा उसके बाद आप देख लो। भाईजान कोई जल्दी नहीं है, कौन से बैच पे? ये चादर के ऊपर पड़ा हुआ है। बैट कर रहे हैं क्या? तो भाई बैटिंग आ चुकी है और बैटिंग पे जा रहा है, 206 का टारगेट है, तो देखते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बनता है इतना स्कोर। मैच रुका हुआ भाई। हाँ भाई कशन क्या कह रहे हो फिर? यार 5 ओवर हो चुके हैं, अजान हो रही है, थोड़ा अजान का ब्रेक ले लिया है हमने, बोला Few moments later. तो भाई मैच जो है हम हार चुके हैं और
मैं जो है 18-20 ओवर बैटिंग करके आया हूँ, 65-70 रन किए थे, लेकिन फिर भी और कोई चल नहीं सका तो मैच तो हम हार गए। और अभी देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सबकी बातें क्या क्या लोग बोलते हैं। अली भाई क्या बोलना चाहेंगे आप, मैच क्यों हारे हम, क्या वजह थी? यार वो असल में 2+ हो गया जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन नो डाउट हमने काशान भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, नो डाउट आए माशाल्लाह से, पूरे 20 ओवर खेले इस गर्मी में, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि बहुत खुशी हुई है 20 ओवर खेले, और ये कि बैटिंग हमारी भी इतनी बुरी नहीं हुई है, सिर्फ कुछ हमारे 1-2 लड़के कम थे जिसकी वजह से मसला हुआ फील्डिंग, वरना इंशाल्लाह हम इनको 150-160 में आउट कर सकते। कबीर आप क्या बोलना चाहोगे भाई, मैच हम हारे हैं तो क्या वजह थी और क्या हमारी गलतियां थी इस मैच में जो हम मैच कैच ड्रॉप हो गया, कुछ हमारे बैटिंग लाइनअप थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अच्छा खेला, मैच को आखिरी तक लेके आए। अच्छा एजाज भाई क्या वजह थी जो हम जो है इतना बड़ा स्कोर हमें मिल गया 204-5 रन, और बैटिंग लाइन जो है हमारी नहीं कर पाई पूरे 200 रन, क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी गलती होती है हार्ड बॉल क्रिकेट के अंदर, जो गलती होती है वो ये होती है, सबसे पहली बड़ी हमने गलती है कि हमने टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दिया। बिल्कुल, देखिए हम ग्रास में नहीं खेल रहे, ना हमारा मैच नाइट में है। सही, कि आपके लड़के चार्ज होंगे, आप इस वक्त 46-45 में आप खेल रहे हो, जो लेवल जो आपका चल रहा है, गर्मी का सही बात है, टेम्परेचर जो आपका चल रहा है ना, टेम्परेचर वो आपका 45 के करीब इस वक्त है। सबसे पहली बड़ी गलती हमारी ये हुई कि हमने उनको फर्स्ट बैट दे दिया। सही है, आपने ये सोच लिया कि फर्स्ट बैट हम उनको दे देंगे तो हम चेस कर लेंगे, चेस करना भी बैट्समैनों का काम होता है, वो उस सूरत में कि आपको कोई जगह मिले, कोई अच्छी जगह हो, कोई बैठने की जगह हो। बिल्कुल, आप देखो कच्चा है और गर्मी का लेवल आप चेक करो। फिर उसके बाद हमारे सात भाई ने मेन पॉइंट के ऊपर कैच छोड़ा स्ट्रेट के ऊपर, अगर वो कैच पकड़ लेते फिर उन्होंने हमारे साथ एक बीमारी, सात भाई फिर उन्होंने हमारे साथ एक बेमानी की, असगर भाई का कैच आउट था, उनके अंपायर ने वो दिया नहीं, अगर वो देते वो पीक टाइम था बैट्समैन का और बैटिंग का पीक टाइम था, वो अगर वो हमारा दे देते तो असगर भाई ने उसके बाद तकरीबन 35-40 रन किए, वो 35-40 रन हमारे बचते, सात भाई का कैच, मेरा कैच, फारूक भाई का कैच, उससे हम मैच को हारे। मतलब कैच बहुत छूटे हमारे, कैच हमारे जो है ना वो छूटे, हमने कैच किए तो आप देखें 204 पे रोक दिया, अगर वो कैच हम वो वाले कैच ना करते ना तो ये 240 का हमारे को टारगेट था, 140 आसानी से, 240 का टारगेट हमें आसानी से मिलता। अच्छा सात भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप क्यों कैच इतने आपसे ड्रॉप हो जाते हैं अक्सर मैचों में, ऐसा होता है हर मैच में आप 2-3 गेंद ड्रॉप कर देते हो, पीछे हो जाते हो, आगे आ जाते हो, क्या वजह है? असल में जब मैं बॉलिंग के लिए आया, हाँ, मैं अपना बॉल कर रहा हूँ, सही है, अब जो पीछे जो खड़े हुए जो हम मेरे खिलाड़ी हैं जी, उनका काम बनता है ना कि मुझे अप्रिशिएट करें, हाँ सही है, ताकि मैं और बॉल अच्छा करूँ। सही है, अब एक कैच के लिए मैं आगे आ रहा हूँ, मतलब एक बॉल में पकड़ रहा हूँ, हाँ। वो मुझसे गलती से मतलब छूट जाती है, सही, अब सामने वाला ये समझता है कि वो मैं जान के छोड़ता, तो मतलब आप गलती नहीं मानते ना, आप गलती मान ले करो, सॉरी कर लो, आप सॉरी सॉरी तो 10 दफा सॉरी है। तो भाई मैच तो हार चुके हैं, अब जा रहे हैं घर, घर जाते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस मैच खेल के तो आ चुके हैं और अब जो है मुझे थक गया यार बहुत, फ्रेश होऊंगा ना होऊंगा दूंगा, तो अब भाई सबसे पहले मैं फ्रेश होऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा, उसके बाद आराम करूंगा। तो इस व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।